से घर लौट रहे स्कूटी सवार दो बच्चों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। टक्कर लगने से स्कूटी सवार बच्चे सड़क पर जा गिरे। गिरने से दोनों बच्चों को गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे थे कि चंदौसी से फवारा चौक के पास गली से निकल रहे ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। घायल बच्चों को मौके पर पहुंचे परिजनों ने पास के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। इस घटना से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि शहर में बिना नंबर प्लेट और बिना लाइट व बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक्टर आखिर कब तक सड़कों पर दौड़ते रहेंगे और आखिर इन पर कब होगी कार्यवाही। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर अली। डॉक्टर शमशेर अली कहाँ के रहने वाले? लक्ष्मणगंज। ये आज बच्चों के साथ हादसा हुआ है, जी ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मारी है। जी जी। तो कब आपको खबर मिली, बच्चे कहाँ से आ रहे थे? बच्चे ट्यूशन पढ़ने, बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे। हमारे मोहल्ले के कोई एक शख्स, उन्होंने देखा था, वो हमें घर पर इनवाइट करने के लिए आए। वो बोले कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तब हम वहाँ पहुँचे थे। फवारे पर हुआ था एक्सीडेंट। वो क्या देखा फिर आपने? हमने देखा कि ये दोनों बच्चे जो है पड़े हुए थे और लोगों ने काफ़ी ने देखा था, लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली फैटू खड़ी करा दी और खड़ी कराने के बाद में हम बच्चों को फिर अस्पताल के लिए ले आए। कितनी उम्र होगी बच्चों? बच्चे की एक की उम्र 14 साल की, एक की 13 साल की है। हॉस्पिटल में दाखिल किया है आपने? हाँ, हॉस्पिटल में दाखिल, प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया हमने। ज़्यादा हालत खराब चुके हैं। हाँ, उस बच्चे के एक पैर में चोट ज़्यादा लगी हुई है, उसमें स्टिचिंग वगैरह हुई है उसकी, और एक बच्चे के भी काफ़ी छिले हुए हैं वो। आपका? अदनान, मोहम्मद अदनान। चोट कैसे लगी आपके? चोट ऐसे लगी, हम रजिस्टर ट्यूशन से छुट्टी हुई थी, रस्तों पर रजिस्टर लेने गए थे, दुकानें बंद थी तो घर पर जा रहे थे। ट्रैक्टर वाला आया गली में से, तो थोड़ा सा ट्रैक्टर निकाला उन्होंने, निकाल के तो बंद करने जा रहे थे एकदम। एकदम ट्रैक्टर है पीछे देख रहे थे, आगे वो ट्रैक्टर बढ़ाया उन्होंने, तो आगे का बम्पर मारा स्कूटी पीछे। कहाँ का चोट लगी आपके? पैरों में लगी थी, सामने।